हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने परिवार के बारे में पढ़ा था, परिवार के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे जाति के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि मेघस्त नीच के समय से लेकर के आज तक किसी भी विदेशी का ध्यान आकर्षित करने से नहीं चूकी है। आर्यों के पूर्व काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण आर्यों से पहले हुआ करते थे, जैसा कि आप जानते ही हैं। फिर आर्यों के आने के पश्चात ये वर्ण अनेक जातियों में परिवर्तित हो गए। आज वर्तमान समय में भारत में लगभग 3,000 जातियाँ व उपजातियाँ पाई जाती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि भारतीय सामाजिक संस्थाओं को के मूल को समझना है तो जाति का अध्ययन अनिवार्य है। जाति का अध्ययन के बिना हम भारतीय सामाजिक संस्थाओं को, भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। जाति प्रथा भारतीय ग्रामीण और नगरीय दोनों ही समाजों में स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। यह हिंदुओं के सामाजिक संगठन की विशेषता रही है। आर देसाई का कहना है कि जाति प्रथा गांव में पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रणालियों, उनके निवास स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। उनके निवास स्थानों प्रतिमानों को निश्चित करती है। यह भू स्वामित्व भी जाति पर आधारित होता है। गांव में अनेक कारणवश प्रशासकीय कार्यों को अधिकांशतः जाति के आधार पर ही बांटा गया है। जाति ने लोगों के जटिल धार्मिक और लौकिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को भी निर्धारित किया है। तो बच्चों, आपने देखा कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब है ये जो कि है गांव में सामाजिक संस्करण, सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। ग्रामीण और नगरीय समाज में उच्चता और निम्नता का करण जाति के आधार पर भी किया जाता है। जाति का संबंध जन्म से है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हो जाता है वो हमेशा उसी का सदस्य रहता है। जाति परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए इसको बंद वर्ग भी कहते हैं। अब है जाति का अर्थ। अंग्रेजी शब्द का कास्ट शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण जाति है। जाति अंग्रेजी शब्द के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। सर्वप्रथम 1563 में ग्रेसिया टी ओर्टा ने इसका उपयोग, जाति शब्द का प्रयोग किया था। उनके शब्दों में लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते,
जैसे कि जूते बनाने वाले लोग एक ही प्रकार की जाति के होंगे, तो इस जाति व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था है जो कि कहीं नहीं पाई जाती है। जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक स्वभाव संबंधी प्रतिबंधों को लागू करती है। अब है जाति की परिभाषा। मजूमदार और मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जाति के अर्थ बताते समय कि जाति का संबंध जन्म से होता है और एक बार व्यक्ति का जन्म जिस जाति में हो जाता है वो मृत्यु पर्यंत उसी का सदस्य रहता है। जाति परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए इसे एक बंद वर्ग कहा जाता है। मजूमदार ने भी जाति को एक बंद वर्ग कहा है क्योंकि ये परिवर्तनशील नहीं है। मेकाइवर और पेज के अनुसार जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है, अर्थात यानी कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर उत्पन्न नहीं होता, तब वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। इनका कहना है कि यदि व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है वो व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य रहता है और जिस जाति में व्यक्ति का जन्म होता है उसी से उसकी परिस्थिति निश्चित हो जाती है। यानी कि व्यक्ति का जन्म यदि उच्च जाति में होता है तो व्यक्ति की परिस्थिति समाज में उच्च मानी जाएगी और यदि व्यक्ति का जन्म निम्न जाति में होता है तो व्यक्ति की परिस्थिति समाज में निम्न वर्ग की हो जाती है। ये इनका कहना है। फिर है कूले के अनुसार जब कोई भी वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है। यानी कि जब कोई भी वर्ग वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो जाति कहलाता है। यानी जाति का संबंध जन्म से है और परिवार के सभी सदस्य एक ही जाति के माने जाएंगे। जिस जाति में व्यक्ति का जन्म होता है मृत्यु पर्यंत वो उसी जाति का सदस्य रहता है। तो जाति की इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जाति का पद व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है तथा जाति की सदस्यता केवल उसमें पैदा होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। एक बार एक जाति में जन्म लेने के बाद में जाति में व्यक्ति अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकता, इसलिए जाति को बंद वर्ग भी कहा गया है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज पर कुछ प्रतिबंध भारतीय समाज के सदस्यों के मतलब जाति के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध लगाती है, जैसे कि विवाह से संबंधित प्रतिबंध, खान पान से संबंधित प्रतिबंध आदि प्रकार के प्रतिबंध जाति व्यवस्था के द्वारा लगाए जाते हैं। अब है जाति व्यवस्था की जाति की विशेषता है। डॉक्टर जी एस भूरिये, एन के दत्ता एवं हट्टन आदि विद्वानों ने जाति की कुछ विशेषताएं बताई हैं, तो वो इस प्रकार से कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। भारतीय जाति प्रथा में हिंदू समाज को अनेक छोटे छोटे एवं छोटे एवं बड़े खंडों में विभाजित कर दिया है। यानी जाति प्रथा के कारण भारतीय समाज के अनेक टुकड़े हो गए हैं। अनेक छोटे और बड़े खंड और उपखंडों में जाति व्यवस्था के द्वारा समाज विभाजित हो गया है। प्रत्येक खंड सदस्यों के पद
परिस्थिति और कार्य को तय करता है, यानी जाति व्यवस्था के अनुसार समाज में, समाज जितने भी खंडों में विभाजित हुआ है वो सभी खंड के अनुसार ही व्यक्ति की परिस्थिति, पद और कार्य तय होते हैं। यानी गांव में जाति के द्वारा ही व्यक्ति का व्यवसाय तय हुआ करता था, और जाति, यदि व्यक्ति का जन्म उच्च जाति में होता है तो व्यक्ति की परिस्थिति उच्च मानी जाती है, और निम्न जाति में होता है तो व्यक्ति की परिस्थिति निम्न मानी जाती है। जाति प्रधान समाज में सदस्यों की सामुदायिक भावना अपनी जाति तक ही सीमित होती है, न कि समाज के लिए। जाति के नैतिक नियमों का पालन करना, प्रत्येक व्यक्ति या जाति का प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य समझता है, और यदि जाति के नियमों का पालन व्यक्ति न करे तो पंचायतें, जाति पंचायतें होती है, वो उसे दंड देती है। फिर दूसरी विशेषता है संस्तरण। जाति प्रथा में ऊंच नीच का एक स्तरीकरण या संस्तरण या उतार चढ़ाव पाया जाता है। समाज में प्रत्येक जाति की एक निश्चित सामाजिक स्थिति है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना गया है, उसके बाद में क्रमशः क्षत्रिय, फिर वैश्य, और सबसे निम्न स्थिति शूद्र और अछूत जातियों की मानी गई है। इस संस्तरण में जातियों का ऊपर अथवा नीचे गमन करना असंभव है, यानी जाति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी भी प्रतिबंध लगाती है। जाति व्यवस्था के कुछ में कुछ नियम पाए जाते हैं, है ना। भोजन दो प्रकार का माना जाता है, जैसे कि कच्चा भोजन और पक्का भोजन। एक व्यक्ति अपने से ऊंची व अपनी जाति के सदस्यों के हाथ का बना होने पर ही भोजन, कच्चा भोजन ग्रहण करता है, जबकि पक्का भोजन अपने समकक्ष की जातियों के हाथ से ग्रहण करता है और निजी जातियों के हाथ से भी ग्रहण कर सकता है, किंतु अछूत एवं शूद्र जातियों के हाथ से नहीं करता। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था भोजन और सामाजिक सहवास पर भी प्रतिबंध लगाती है। फिर है परंपरागत व्यवसाय। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है जो उसके अपने पूर्वजों से व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्या व्यवसाय होता है, यानी जाति का संबंध व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। जैसे लुहार है वो लोहे का कार्य ही करेगा, सुतार है तो वो लकड़ी का कार्य करेगा, सुनार है तो वो सोने चांदी का कार्य करेगा, ब्राह्मण पूजा पाठ का कार्य करेगा, नाई है तो वो बाल काटने का काम करेगा, और चमार है तो वो चमड़े बनाने का, चमड़े के जूते बनाने का या चमड़े का कार्य ही करेगा। इस प्रकार से भारत में जाति व्यवस्था की एक ये भी विशेषता है कि जाति एक जाति एक व्यवसाय के जाति का संबंध व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जाति व्यवसाय से संबंधित है। फिर है विवाह संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति के विवाह संबंधी भी नियम होते हैं। जातियाँ अनेक उपजातियों में भी बटी हुई होती है, और विवाह जाति के सदस्य अपनी जाति के अंतर्गत ही करते हैं, यानी जाति अंतर्विवाह ही जाति प्रथा का सार तत्व है। एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है जाति जन्म से निर्धारित होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है, अपने जीवन काल में वो जाति बदल नहीं सकता, इसलिए जाति को बंधुवर्ग माना जाता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यता है एवं विशेषता है।
जाति व्यवस्था की एक ये भी विशेषता है कि जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को कुछ विशेषाधिकार तथा निर्योग्यताएँ प्राप्त है। जैसे ऊंची जातियाँ अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विशेषाधिकारों का उपयोग करती है और निम्न जातियों को कई सुविधाओं से वंचित किया गया है। जैसे कि ये पहले होता था, वर्तमान समय में ये बात नहीं है। जैसे कि अछूतों को सड़क पर चलना, चलने, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, मंदिरों आदि का उपयोग करने पर प्रतिबंध था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सभी निवासियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है और भारतीय समाज, भारतीय संविधान के समक्ष सभी जातियाँ समान है ऐसा माना गया है। कोई उच्च और निम्न नहीं है। ये सब विशेषता है जो जाति की है, ये प्राचीन समय में पाई जाती थी। लेकिन फिर भी संविधान के द्वारा सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त होने के बावजूद और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, व्यवसाय के समान अधिकार, शिक्षा के समान अधिकार, अन्य सुविधाओं के समान अधिकार दिए गए हैं, फिर भी वर्तमान समय में भी आज भी देखा जाए तो गाँव में जाति व्यवस्था को अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। जाति व्यवस्था गाँव में आज भी अनेक प्रतिबंध अपने सदस्यों पर लगाती है। दैट्स ऑल। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।